हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन ने जो है फाइनली जो क्लोजर लिया है वो 40,000 के ऊपर क्लोजर ले लिया है, जिसका जो है हमें इंतजार था डेली चार्ट पे। तो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज है और जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है इसमें ऑल्ट क्वाइन का क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। इसके अलावा गाइस, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया कल के दिन, जो है फाइनली जाके क्लोजर जो है हमें मिल गया था परसों के दिन लगभग 39,475 के अराउंड। वही कल के दिन जो है उसका जो हम कह सकते हैं 200 EMA लाइन, उसको रीटेस्ट करके जो क्लोजर बनाया वो बनाया 40,000 से ऊपर, $40,036 के आसपास। एंड फिलहाल जो है हम उसी जोन के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें हम RSI, तो RSI जो है लगभग 70 के आसपास जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिले। डेफिनेटली हम काफी तेजी से सर्च किए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है एज पर TA। एंड अगर मैं सकोष्टिक RSI की बात करूँ तो वो भी जो है एक पैरेलल जोन बना के रखा है, एंड मैंने कहा हुआ है 99 के अराउंड में आ गया, ये बहुत ही ज्यादा है। तो डेफिनेटली इतने ज्यादा पे तो कभी रहता नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो गया। एंड हो सकता है 80 का लेवल भी हम आने वाले एक हफ्ते में रीटेस्ट करें, एंड देन जो है यहाँ पे हम सस्टेन करें प्राइस को, एंड वहां पे साइडवेज एक्शन दिखाए सकोष्टिक RSI के लेवल पे। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमारा प्राइस ऊपर ही जाएगा। फिलहाल अगर मैं प्राइस लेवल की बात करूं तो डेफिनेटली जो है अभी आज जब से स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, तब से भी जो है हम थोड़ा बहुत नीचे मूव दिखाए हैं। अगर आप अल्टीमेटली 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको कंटिन्यूसली जो है ये 21 EMA लाइन जो है, ग्रीन लाइन जो है, वो हमें सपोर्ट दे रहा है। सकोष्टिक RSI जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस सर्ज होगा। एंड डेफिनेटली RSI की बात करूं तो RSI नीचे चला गया था एंड वापस से बाउंस कर रहा है 50 के लेवल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ 50 के लेवल के आसपास बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है, एंड ये 1 आवर के चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है कूल ऑफ होने के बाद। जब से हम लेवल 71 को रीटेस्ट किए हैं उसके बाद जो है कंटिन्यूसली हम इसी जोन में RSI जो है नीचे जाते जा रहा है, एंड उसी हिसाब से प्राइस भी आपका थोड़ा बहुत मूव देखने को मिल रहा है पिछले 8 से 10 घंटों में। अब यहाँ से ज्यादा चांसेस क्या है, यहाँ से चांसेस है ऊपर जाने के प्राइस बजाय नीचे आने के। ऑल दो अगर MACD की बात करूँ तो MACD डेफिनेटली जो है हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड मैं हमेशा कहता हूँ जब जब हमारा MACD 0 से अबव होता है तो भले रेड मोमेंटम भी बना हो MACD में, फिर भी प्राइस जो है साइडवेज एक्शन दिखाता है या थोड़ा बहुत ही डाउनफॉल दिखाता है, और कुछ वैसा ही दिखा रहा है पिछले कई आवर से। एंड जिस हिसाब से सकोष्टिक RSI दिखा रहा है लेवल एंड RSI दिखा रहा है, उस हिसाब से MACD में जो है फिर से एक कन्वर्जन आ सकता है दिन में, एंड यहाँ पे जो एक वापस से डेफिनेटली सर्च करता हुआ दिखेगा आने वाले 4 to 8 आवर्स के अंदर। एंड अगर हम यहाँ से अगर स्पाइक लेते हैं तो वी हैव टू सी कि नेक्स्ट जो स्पाइक आएगा वो क्या इससे छोटा होता है या इससे बड़ा होता है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे MACD धीरे धीरे छोटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन चल रहा है। तो अगर यहाँ से अगर बड़ा होता है MACD का जो लेवल है, ग्रीन मोमेंटम का जो लेवल है, वो अगर कंटिन्यूसली सर्च करता है इस लेवल से, यानी जो प्रीवियस अभी जो स्पाइक आया था उस लेवल से ऊपर जाता है, तो बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है और हो सकता है 1 आवर के चार्ट पे टेस्ट करे। एंड ऐसे सिचुएशन में जो है बिटकॉइन और तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो है साइडवेज एक्शन जा रही है, एंड वर्स्ट सिनेरियो में अभी फिलहाल जो है सपोर्ट 39,200 के आसपास मिलेगा, एंड उससे पहले जहां पे हम अभी हैं वहां पे सपोर्ट अच्छा खासा है, तो डेफिनेटली हम ऊपर जा रहे हैं। एंड 4 आवर के चार्ट की अगर बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आप देखो मोमेंटम साइडवेज एक्शन का क्लियर कट दिख रहा है। सकोष्टिक RSI की बात करूं तो यस, थोड़ा बहुत जो है डाउनफॉल दिखा है, एंड यहां से हो सकता है स्पाइक आए आने वाले 4 to 8 आवर्स में। एंड वहीं अगर MACD की बात करूं, MACD जो है हमारा रेड हो गया, तो डेफिनेटली एक जोन के बाद जो है हमारा जब जैसे ब्लू लाइन जो है नीचे जाता है तो आपको MACD जो है रेड होता हुआ दिखता है, और वही हो रहा है यहाँ पे जैसे हुआ था। लेकिन क्या ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा या फिर साइडवेज एक्शन दिखाएगा? देखो साइडवेज एक्शन चलता है, वर्स्ट सिनेरियो में 38,500 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं 4 आवर के चार्ट के हिसाब से, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल कम चांसेस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि RSI में हम हायर लोज क्रिएट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो है क्लोजर हमें हायर लोज मिला है। एंड अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है प्राइस भी उसी हिसाब से सर्च कर रहा है, तो डेफिनेटली हम रीटेस्ट कर सकते हैं इस लेवल को वर्स्ट सिनेरियो में, लेकिन हो सकता है यहीं पे साइडवेज एक्शन दिखाए एंड हम वेट करें EMA लाइन का ऊपर आने तक के लिए। एंड अगर इस सिचुएशन में ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली फिर प्राइस जो है आपको 41,000 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है आज के दिन। एंड वहीं अगर मैं 1 डे के चार्ट की बात करूं तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो आ रहा था पिछले जो 3-4 दिनों से जो वॉल्यूम आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है, एंड वो एक्सपेक्टेड होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लेवल ऑफ वॉल्यूम हमें मिला है ना
वो लेवल ऑफ वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। ऑल दो ब्रेकआउट के वक्त मिला वो अच्छी बात है, लेकिन ये ब्रेक जो वॉल्यूम का लेवल है वो इतना नहीं है। और अगर हम इतने लेवल के वॉल्यूम के साथ अगर सस्टेन करना, तो हमें इसी लेवल का वॉल्यूम कंटिन्यूसली मार्केट में चाहिए हर 2-4 दिन पे, जो कि अभी फिलहाल जो है कम होते हुए वापस से दिख रहा है। अगर वॉल्यूम कम होता है और मार्केट अगर अप जाता है गाइस, तो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में वापस से 40,000 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। फिलहाल तो आपको पता होना चाहिए कि वनडे के चार्ट पे 200 EMA लाइन जो है 38,600 के आसपास है। तो वर्स्ट सिनेरियो में कभी भी बिटकॉइन नीचे जाता है तो अब यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा जब बिटकॉइन नीचे गिरा था तो यहाँ पे 2-3 दिन हमें सपोर्ट देखने को मिला था, एंड फिर ब्रेकआउट हुए तो फिर हम ऊपर नहीं जा पा रहे थे। अब हम फाइनली ऊपर चले गए, एक दिन हमने सपोर्ट टेस्ट कर लिया, दूसरा दिन है। तो ऑब्वियसली अभी जो 2-3 दिन है इसके लेवल के ऊपर अगर हम मेंटेन रखेंगे अपना प्राइस लेवल बिटकॉइन का, अगर मेंटेन रहता है तो गाइज ये बहुत ही सेफ होगा। एंड यस, थोड़ा सा कूल ऑफ का टाइम चल रहा है, तो कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन जो अभी मोमेंटम है मार्केट का वो अपसाइड ही है। और डेफिनेटली जो है आने वाले 1 हफ्ते में आपको प्राइस जो है लगभग लगभग 45,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली क्या वो इस वीकेंड हो सकता है? पॉसिबल है, अगर वॉल्यूम आए। फिलहाल जिस वॉल्यूम के साथ कल के दिन हमने क्लोजर लिया वो ज्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है, हम फिर से उसी लेवल में ट्रैप की तरफ फंसते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वॉल्यूम हमें चाहिए और वीकडेज में चाहिए, वो सिग्निफिकेंट मूव होता है। ऑल दो वॉल्यूम के साथ हमने जब ब्रेक किया तो उसका सिग्निफिकेंट मूव आपको देखने को मिला कि यहाँ पे हमने इसे ब्रेकआउट कर लिया। बट अब ब्रेकआउट को सस्टेन करना इज इंपॉर्टेंट। 40,000 के ऊपर बने रहेंगे सब कुछ रिकवर हो जाएगा आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस लेवल की, जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल कंटिन्यूसली सर्च किया है, और ये मैं बार बार बोल भी रहा था आपको कि पिछले वीक भी मैं आपको बोल रहा था कि ये अब अगले कुछ दिन ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही कुछ हुआ है। कल के दिन जो है हमने हाईएस्ट जो रीच किया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर एक बोलूं तो लगभग लगभग 49.16 के आसपास लिया, वहीं 48.92 के आसपास क्लोजर लिया। तो फिलहाल भी हम 49 के आसपास चल रहे हैं एंड लॉन्ग का पोजीशन बना हुआ है। आरएसआई की बात करूं 75 के आसपास बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर साइडवेज एक्शन भी लेते तो डेफिनेटली जो है ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा आपको डोमिनेंस लेवल। वहीं अगर मैं बात करूँ सकुष्टिक आरएसआई जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे टॉप पे चला गया वैसे ही कुछ चल रहा है, तो क्या यहाँ पे हम डाउन नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। एंड क्या यहाँ पे साइडवेज एक्शन आ सकता है? यस, अगर ऐसा कुछ होता है तो 1 या 2 हफ्ते हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है और ऑल्ट कॉइन में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मेरा मानना है कि ये जल्द ही आपको डाउन जाता हुआ दिखेगा। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे फिलहाल अभी कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड यस, क्लस्टर ऑफ जोन जरूर बना रहा है, तो एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है आरएसआई थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है, लेकिन सकुष्टिक आरएसआई काफी नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब साइडवेज एक्शन कितना लंबा चलता है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि प्राइस क्या यहाँ से जो डोमिनेंस लेवल है वो नीचे जाता है नहीं। अगर नीचे जाता है डेफिनेटली 48 के आसपास जो है हमारा सपोर्ट है, एंड अगर उसके नीचे जाता है तो 48.46 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। फिलहाल डेफिनेटली आरएसआई जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले 1-2 दिन में आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है ऑल्टकॉइन एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस के 2-3 दिन में हुआ है। बट अभी भी जो इंपॉर्टेंट जोन है उसके ऊपर हम बने हुए हैं, एंड ये जोन को हमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है गाइस, उसके बाद जो है नीचे का मोमेंटम शुरू हो जाएगा। बट फिलहाल अभी रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली जो है अभी आने वाले 1 वीक से लेकर 2 वीक भी आपको स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सकोष्टिक आरएसआई और जो आरएसआई लेवल है वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, तो डेफिनेटली यहाँ से कूल ऑफ ये भी होगा, आरएसआई भी होगा। वो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वो जो कूल ऑफ है वो बिटकॉइन के करस्पॉन्डिंग कैसे बिहेव करता है, क्योंकि बिटकॉइन जब ऊपर जाता है डोमिनेंस चार्ट, अगर नीचे जाता है तो वो ऑल्टकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह काम करता है। तो फिलहाल उसका रिवर्सल चल रहा है, तो डेफिनेटली हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट यस, घबराना नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में आपको जैसे बिटकॉइन रिकवर करता हुआ दिख गया वैसे ऑल्टकॉइन भी रिकवर करता हुआ दिख जाएगा। बीटीसी के चार्ट पे, डॉलर के चार्ट पे तो रिकवर करेगा ही, बीटीसी के चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ। वही बात करूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट की, तो डेफिनेटली जैसे जैसे डोमिनेंस चार्ट ऊपर क्लोज होगा वैसे वैसे आपका ये भी क्लोज होगा नीचे, तो कुछ वैसा ही मोमेंटम देखने को मिला। कल जिस लेवल पे मैंने आपको टीए वीडियो में बताया था कुछ उसी लेवल पे क्लोजर मिला है। एंड आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई बिल्कुल ही ज्यादा नीचे आ गया, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से लोअर लो क्रिएट करता जा रहा है। डेफिनेटली ये लास्ट सपोर्ट 35 के आसपास होगा। अगर हम इसे सपोर्ट से बाउंस बैक नहीं दिखाते हैं गाइस, तो 0.052 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मैं सकुष्टिक आरएसआई की बात करूं, बिल्कुल बॉटम अप हो चुका है, तो यहाँ पे 1-2 दिन हो सकता है साइडवेज एक्शन जरूर दिखाए, लेकिन उसके बाद जो अल्टीमेटली इसे ऊपर ही जाना है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी। फिलहाल जो है डेफिनेटली अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में रिलीफ नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म में अगर कोई पीक आता है, स्पाइक आता है, तो 0.059 के आसपास जा सकता है इथेरियम बीटीसी चार्ट। वहीं अगर मैं यूएसडी चार्ट की बात करूं, तो डेफिनेटली कल का क्लोजर जैसे बिटकॉइन ने ऊपर दिखाया वैसे ही इसने भी दिखाया, लेकिन ठीक बाउंड्री लेवल के नीचे, यानी कि हमने $2,350 का जो लक्ष्मण देखा है वो क्रॉस नहीं किया। जैसे वो क्रॉस करेंगे बहुत तेज हो जाएगा स्पाइक, लेकिन फिलहाल जो है इथेरियम यूएसडी चार्ट पे मुझे काफी ज्यादा जो है आपका सकुष्टिक आरएसआई जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे बिल्कुल ऊपर चला गया वैसा ही बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कूल ऑफ होगी चीजें, थोड़ा बहुत इथेरियम अभी फिलहाल आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई लेवल की भी बात करूँ, तो आरएसआई जो है कंटिन्यूसली साइडवेज एक्शन दिखा रहा है 60 के आसपास, तो हम हो सकता है 53 के लेवल को रीटेस्ट करने आए। अगर ऐसा होता है तो गाइज लेवल वाइज मैं आपको बता दूं कि प्राइस में क्या हो सकता है मोमेंटम। प्राइस वाइज मोमेंटम में ये हो सकता है कि हम 2100 का लेवल वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में। गाइज याद रखना, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं मैं,
$2,128 रीटेस्ट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद फर्दर हम मूव दिखाएं। बट अगर हम किसी भी दिन जैसे बैक टू बैक हम स्पाइक ले रहे हैं ड्यू टू बिटकॉइन मूव, लेकिन जो बीटीसी चार्ट पे हम नीचे गिर रहे हैं इसी वजह से हमारा क्लोजर जो है ऊपर नहीं मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली जो है अगर हम किसी भी दिन इसके ऊपर कामयाब हो जाता है क्लोजर लेने में तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज यहाँ पे गाइज वापस से जो है आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली हमें सपोर्ट मिल जाए दिस टाइम $2,134 के आसपास। क्या ये चीज कंफर्म है? अभी कंफर्म नहीं है, बट यस आज का जो मूव है वो प्रोबेबली कंफर्म कर दे इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे कि क्या हम ऊपर जाने से पहले इस लेवल को 2000 लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं क्या, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल यस एज पर आरएसआई एज पर सकोस्टिक आरएसआई क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाते हो, थोड़ा बहुत सफर करें नीचे जो लेवल जाता हुआ दिख रहा है वैसा कुछ होता दिखे आपको एक दो दिन के लिए, देन उसके बाद चीजें आपको कंफर्म वे में दिखना शुरू हो जाएगा चार्ट पे। फिलहाल डेफिनेटली जो है बिटकॉइन भी स्ट्रगल कर रहा है 40,000 के आसपास एंड ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली वेट कर रहा है कि बिटकॉइन एक बार स्टेबल हो जाए 40,000 से लेकर 42,000 के ऊपर, उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन में डेफिनेटली रैली देखने को मिल सकता है बीटीसी चार्ट पे। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।